जैसे कि आपको यूएन पोर्टल पे काफ़ी सारे अजीबोगरीब तरीके के एरर देखने को मिल रहे हैं। जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं उसमें एरर ही एरर देखने को मिल रहे हैं, जिसका ना तो कोई सलूशन अभी तक ईपीएफओ की तरफ बताया गया है और ना ही ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट या सर्कुलर जारी करके बताया गया है, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने का जो एकमात्र तरीका है, जो पिछले वीडियोज में हमने जाना था, वो ये था कि आपका जो भी यूएन पोर्टल पे नंबर है उसे चेंज करके जो भी आधार कार्ड में नंबर है वो ही अपडेट कर लेना है। अब आपको कैसे करना है, आपको फॉरगेट पासवर्ड के माध्यम से करना है, जिसमें आपको ऑप्शन चूज करना है विदाउट मोबाइल नंबर, जैसा कि डिटेल वीडियो में आपको इस वाले वीडियोज में मिल जाएगा कैसे हमने किया था स्टेप बाय स्टेप। बाकी इसके अलावा यदि आप नंबर चेंज करते हैं आप यूएन पोर्टल पे जाकर, तो वहाँ पे एक अलग सा नया तरीके का नया वाला एरर देखने को मिल रहा है, जो कि फेल्ड टू सेट टैग नेम से आ रहा है। अब ये सेट टू नेम या फिर और भी एरर है वो क्या है वो कुछ भी पता नहीं है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप बिल्कुल अपना नंबर चेंज कर लीजिए जो पिछले वीडियो में बताया गया था उस हिसाब से, और उसके बाद से अपना जो भी क्लेम है वो कीजिए, अन्यथा आपको वेट करना है। आप वेट के अलावा एक दो काम और कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाइए जो भी ईपीएफओ है और उसके वहाँ पे आप बताने का प्रयास करिए। भारी से भारी मात्रा में, भारी से भारी जनसंख्या में आप लोग वहाँ पे ईपीएफओ को जानकारी दीजिए, बताइए। ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट कर सकते हैं, उसका ऑफिशियल लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको कैसे करना है उसका वीडियो भी मिल जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हैं और बता सकते हैं, जिससे ईपीएफओ इस जो भी प्रॉब्लम है, जो भी अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम है, वो आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन कर पाएगा और जल्द से जल्द आप सारे काम कर पाएंगे। हालांकि इतने टाइप के एरर हैं कि नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, हालांकि कुछ एरर है उसके स्क्रीनशॉट चिपका दूंगा, आप पढ़ भी सकते हैं। और बाकी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आपके साथ भी कोई एरर आ रहा होगा, आपको उस ही एरर के बारे में लिखना है, आपको सारा ज़्यादा डिटेल नहीं देना है, केवल एरर के बारे में लिखना है। वहाँ पे आप यूएन नंबर और पासवर्ड मत दीजिएगा, क्योंकि वो एक्चुअली सभी लोग देखते हैं, और आप अगर अपना पर्सनल डिटेल देते हैं तो वहाँ पे आपके डिटेल्स के साथ छेड़छाड़ भी हो सकता है, तो आपको डिटेल्स नहीं देना है, केवल वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है वो ही लिख करके बताना है। ईपीएफओ को ट्वीट करके, रीट्वीट करके, जैसे भी आप बताना चाहते हैं वैसे आप बता सकते हैं, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी बता सकते हैं, और यदि आप किसी माध्यम से ग्रीवेंस रजिस्टर्ड कर पा रहे हैं, कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर पा रहे हैं, तो उससे भी आप बता सकते हैं। फ्रेंड्स, हर एक एरर का नाम लिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो बनेगी, तो हर एक एरर का नाम नहीं ले पाएंगे, हालांकि आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है और ईपीएफओ तक अपनी जो भी आपकी समस्या है वो पहुँचानी है। उसके बाद से जैसे ही ये सारा प्रोसेस ठीक हो जा रहा है तो आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके दिया जाएगा। हालांकि कुछ ही दिनों बाद अभी ठीक हो गया था, फिर से आने लगा, यानी ये समझो कि आप आज ठीक हो रहा है, कल से दोबारा से प्रॉब्लम आ रही है, ये अभी एक्चुअली मेंटेनेंस चल रहा है ईपीएफओ का, इस वजह से आ रही है, तो आपको पेशेंस रखना है और उसके बाद से ट्राई करते रहना है, रेगुलर ट्राई करते रहना। इसी के साथ फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।